तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है 420 ओपी को लेके, तो उन्होंने रिएक्ट करा था, उनको काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उन्होंने गॉड लाइक को ज्वाइन कर लिया एंड इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो मई के बारे में। एंड साथ में जो ऋषभ है उन्होंने बात करी थी 25 दिसंबर को जो भी अनाउंसमेंट वगैरह आने वाली है, उन्होंने इस चीज़ को BGM का क्या सीन है? Is it done and dusted? No, ऐसा कोई सीन नहीं है अभी तक। गेम आएगा, सब लोग यही बोल रहे गेम आएगा, यही बोल रहे हो गेम आएगा, बट कब आएगा ये किसी को नहीं पता। भाई शो ऑल ट्रेंड्स। Is there any trailer coming? धीरज रखो भाई, इतना भी क्या जल्दी है तुमको? देखो ट्रेलर का कुछ नहीं पता, शूटिंग का हुआ है कुछ, शूटिंग तो हुआ है कुछ ना कुछ। 25 दिसंबर को ये है कि कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा, कुछ ना कुछ अपडेट वो लोग पोस्ट करेंगे। तो 25 दिसंबर को ये हो सकता है, जितना अभी मेरे को पता चला है कि कुछ ना कुछ तो वो लोग अपनी तरफ से पोस्ट करेंगे शायद से। अगर नहीं ना भी करे तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक वेट कर ही सकते हो। वही है कि एक तो है जनवरी तुम्हारा, 25 दिसंबर को कुछ आ सकता है, 25 दिसंबर को अगर ना आए तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। और अभी वापस सुनने में यही आ रहा है भाई, इतना चेंजेस क्यों हो रहा है पता नहीं। सुनने में एक बार बोल रहे कि जेट सिंथेसिस के साथ हो रहा है, एक बार बोल रहे जियो के साथ हो रहा है। जियो एंड जेट सिंथेसिस दोनों अलग अलग चल रहे हैं, प्लस जियो ने क्लाउड गेमिंग भी लॉन्च कर दिया, प्लस जियो में क्लाउड गेमिंग जब लॉन्च किया तभी वहाँ पे BGMI भी आएगा। तो पता नहीं जियो का पॉसिबिलिटीज़ मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि जियो ये आएगा और जियो के साथ आएगा, मेरे को जितना लग रहा है, जितना पॉसिबिलिटीज़ लग रहा है, क्योंकि उन लोगों के साथ उन लोगों को फ्यूचर में भी बहुत सारा परमिशन है करना है। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो SA12 है, उन्होंने कुछ दिन पहले अभी जो न्यू स्टेट है उसका लैंड जीता था। एंड इसके अंदर एक प्लेयर थे जिनका नाम था साइफर एंड उन्होंने ज्वाइन कर लिया है गॉड रेन को। एंड उनकी अनाउंसमेंट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है क्लच गॉड को लेकर, तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने STE के कोच की जो पोस्ट है उसको रीमेंशन किया था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था IG Shadow एंड ? साथ में उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था गुड कोच। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे को जो STE के कोच हैं वो गॉड लाइक के कोच भी बनते हुए दिख सकते हैं नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गेसेस बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो सिड भाई हैं जब वो वेलोरेंट खेल रहे थे तो उनको किसी ने अब्यूज वगैरह कर दिया था। एंड इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट कराया, उन्होंने बात करी कि यार ये चीजें रुकनी चाहिए। एंड साथ में उन्होंने उसकी आइडेंटिटी के बारे में भी बात कराया, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। हाँ मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है टॉक्सिसिटी क्यों आती है, कहां से आती है, गाली देना शुरू कर देते हैं सीधा, क्या हो गया, क्यों हंस रहा है, समझ नहीं आता यार क्यों क्या करते हैं। मतलब ये लोग मेरे को चाहिए कि मेरे मुंह के सामने आके बोले यार किसी दिन बाइक छोड़ के आएंगे बोले गंदा किसी, मतलब मैंने कुछ बोला उनको, हमारे टीम वाले ने कभी कुछ बोला उनको पता नहीं, बहन छो कितने गंदे निचड़। एक तो ब्रिज से मार्शल मारा अक्षु को, ब्रिज पे एक तो बैंक से हटी बैठा है, तोड़ गाइस तोड़ दिया, म्यूट का बात नहीं है। ये जो चार लोग है ना, ये तीन लोग के नाम लिख रहे हैं, अगर मेरे को कोई फाइंड आउट करके बता सकते हैं ना कि ये तीन लोग कौन है, इनके नाम क्या है, इनके इंस्टा आईडीज दिला दो मेरे को, तो क्या ना मैं इनको इंस्टा पे फेमस कर दूंगा, क्योंकि इनको फेमस होना अच्छा लगता है, तो मैं इनको इंस्टा पे फेमस कर दूंगा, जो मेरे को इनकी आइडेंटिटी बताएगा उनको हम कुछ देंगे, सिर्फ इंस्टा पे करूंगा। अब ये मतलब इतना टॉक्सिसिटी है, भड़वे कहां से लाते हैं बे मदरचोद ये लोग, पता नहीं बे फ्रस्ट्रेटेड बैंस, पता नहीं इधर आए देखो XYD कैकरोट YT, ये एक और कौन है YT HYD कैकरोट YT। ये लो, मिल गए।
कौन है मास्क वाईटी ऑन ट्विच? मास्क वाईटी नाम का तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को ट्विच पे। इंस्टा लिंक है क्या उधर? हाँ इंस्टाग्राम भी है इसका। ये क्या पता नहीं है मेरे को गाइस, कंफर्म नहीं है, कंफर्म करूंगा मैं। नाम से लग रहा था मतलब जेन्युइन मेरे को बीटी हो गई है ब्रो। मतलब क्यों इतना टॉक्सिक होते हैं लोग? कोई सामने से एक मैसेज नहीं करते हम लोग कभी ऑल चैट पे। हमने कुछ नहीं लिखा लिटरली, मुझे तो तीन राउंड से बोल रहे थे। क्यों बचते हैं? इग्नोर मारा। एंड इसके बाद काफी लोग एडी से पूछ रहे थे कि जो पार्टी है उन्होंने लीव कर दिया है फ्री फायर को, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। हैप्पी सो या पार्टी लेफ्ट फ्री फायर। हां मतलब वो बोलता रहा था कि लाइक ही वोंट कंटिन्यू फ्री फायर एनी मोर, बट देखते हैं। देखो अभी ई-स्पोर्ट्स आने में बहुत टाइम है फ्री फायर में, लाइक फ्री गेम भी आया तो ई-स्पोर्ट्स के लिए यू नो लॉट ऑफ टाइम। ही माइट गेट बैक इनटू क्रिएटर प्रोग्राम, ही माइट व्हेन फ्री फायर इज बैक, और तब तक उसका पीसी गेम्स वो सब उसका अच्छा जा रहा है तो ही माइट जस्ट स्टिक टू इट। तो ऑडियंस के ऊपर अभी उसको कैसे सपोर्ट मिलते हैं पीसी में या दूसरे वर्टिकल में, वो जो जाना अच्छा था। सो या पबजी पीसी विद रचित पनवार। एंड इसके बाद काफी लोग एडी से पूछ रहे थे वॉरजोन मोबाइल के बारे में, उन्होंने बोला था कि अगर हमारे को जो गेम है वो बहुत ही जल्दी देखने को नहीं मिलेगा बीजीएमआई, तो जो प्लेयर्स हैं वो हमारे को शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे वॉरजोन पे। साथ में उन्होंने कुछ लीक्स वगैरह दी थी बीजीएमआई की, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। वॉरजोन मोबाइल कमिंग, यस यस मैंने देखा था उसका गेम प्ले भी, लाइक आई थिंक इट्स गुड बट डिपेंड होता है यार। अगर पबजी आई मीन बीजीएमआई का बैन ज्यादा टाइम तक रहेगा तो वी माइट सी सम यू नो प्लेयर्स शिफ्टिंग टू दैट, स्ट्रीमर शिफ्टिंग टू द वॉर जोन, फिर ग्रेजुअली जैसे ऑडियंस बढ़ता है वी कैन सी स्पोर्ट्स ऑल्सो। बट जितना मुझे पता है बीजीएमआई इज कमिंग बैक वेरी सून, होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज बाई मिड जैन और समथिंग लाइक दैट। मतलब लाइक कुछ शूट्स वगैरह का इन्फो या प्री लॉन्च जो भी अपडेट्स हैं we should get it by mid jan or end of jan. I think march is when we are expecting the game to be back. These are the expected dates but dekhte hain. एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही होगा यार, जितनी भी और गया अभी हमारे को ऑफिशियली जो न्यू स्टेट का लाइनअप है उसको अनाउंस नहीं कर रही हैं। एंड इसी से रिलेटेड जो हेडीज है उनसे पूछा गया था तो उन्होंने इसका रीजन क्या बताया वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। इस बार स्नैपड्रैगन को फ्री फायर या बीजीएमआई करना था बट सिंस बोथ ऑफ द गेम्स आर बैंड, अभी न्यू स्टेट का ऑलमोस्ट 1 करोड़ का प्राइस पूल का टूर्नी करा रहे हैं, सो दैट इज अ मैसिव पुश फॉर न्यू स्टेट। बट अगर ये ऐसे ही न्यू स्टेट को पुश मिलता रहे इवन आफ्टर द गेम इज बैन बीजीएमआई आने के बाद भी, तो यू नो इट्स वेरी गुड फॉर ऑग एज वेल एज द प्लेयर। सिर्फ एक दो इवेंट के हिसाब से अगर हम लोग को लाइनअप पिक करना है दैट आई थिंक इज अ रिस्की मूव, सो इसलिए मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या करना है, बिकॉज आई हैव लाइक वेरी गुड प्लेयर्स वेटिंग फॉर द ऑफर्स, बट the only thing is I don't want to just sign them and then leave them after one or two tournaments. इसलिए SATL वाले भी न्यू स्टेट लाइनअप ऑफिशियल नहीं कर रहे, मतलब सब सबका वही प्रॉब्लम है यार कि अनाउंस ऑफिशियली अगर अनाउंस कर देंगे फिर BGMI आ गया फिर न्यू स्टेट डाउन हो गया तो ये लाइनअप का क्या करे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कोई भी और को भी ऐसा प्लेयर्स को लो, फिर अगर गेम परफॉर्म अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है बट अगर उनको गेम सपोर्ट नहीं करता तो हॉक भी क्या ही करेगा बताओ। लाइक आई थिंक दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ऑक्स आर आल्सो वेटिंग यू नो क्या करने प्रॉपर, वो भी थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं कि शुड बी साइन शुड बी नॉट साइन ऐसा वैसा। तो वील ऑल्सो हैव अ कॉल इंटरनल कॉल टुमारो एंड होपफुली विल गेट दिस डन। एंड इसके बाद काफी लोग रेगल टॉस से पूछ रहे थे कि आपने SATL कम्युनिटी को छोड़ दिया है, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। आर यू सीरियसली आउट फ्रॉम SATL कम्युनिटी? तुम्हें पता है अगर ऐसा होता ना दोस्त तो मेरी चैट मासूम टैटू नीडेड एक गाना हो जाए रहेगा के अलावा ना कुछ और ही सवाल चल रहे होते चैट, तुम थोड़ा तो सोचो। एंड ऐसा होता तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना।